एक बार की बात है, किसी गांव में रोहित नाम का एक नौजवान रहता था। रोहित बहुत ज्यादा गरीब था। रोहित समंदर से मछलियां पकड़कर उसे बेचने का काम करता था। इसी तरह एक दिन रोहित समंदर में मछलियां पकड़ रहा था कि तभी अचानक उसके जाल में सात रंग बिरंगी मछलियां फंस जाती हैं। लेकिन अगले ही पल वो सारी मछलियां जोर जोर से रोने लगती हैं। मछलियों को यूं रोता हुआ देखकर रोहित को बड़ी हैरानी होती है। तभी उसमें से एक मछली रोहित से कहती है, सुनो नौजवान, हम सातों परी देश की सिंड्रेला परियां हैं। हम वहां की राजकुमारियां हैं। एक जादूगर के श्राप की वजह से हम सभी मछलियां बन गई हैं। अगर तुम हम सातों से शादी कर लोगे तो हम सातों बहनें अपने असली रूप में आ जाएंगी। मेहरबानी करके हम सातों से शादी कर लो नौजवान, प्लीज हमारी मदद करो। उस मछली की इतनी अजीब सी बात सुनकर रोहित को बड़ा ताज्जुब होता है। लेकिन रोहित एक दयालु नौजवान था। वो उन सातों सिंड्रेला परी बहनों को उनके असली रूप में लाने का फैसला करता है और उनसे शादी करने के लिए हाँ कह देता है। उसके बाद रोहित उन सातों मछलियों को लेकर एक पुजारी जी के पास पहुंच जाता है और उनसे उन मछलियों के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर वो पुजारी रोहित की शादी उन सातों मछलियों से करवा देते हैं। शादी होते ही वो सातों मछलियाँ सात खूबसूरत परियों के रूप में बदल जाती हैं। अपने आप को वापस परी के रूप में देखकर सातों सिंड्रेला परी बहनें बहुत ज्यादा खुश होती हैं। साथ ही रोहित भी अपनी इतनी सुंदर पत्नियों को देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद वो सातों सिंड्रेला बहनें रोहित के साथ उसके गांव चली जाती हैं। क्योंकि रोहित बहुत ही गरीब था तो उसका टूटा हुआ झोपड़ा देखकर उन सातों सिंड्रेला परी बहनों को रोहित पर बहुत तरस आता है। फिर सातों सिंड्रेला बहनें अपनी जादुई छड़ी घुमाकर रोहित के टूटे फूटे हुए घर को एक खूबसूरत से घर के रूप में बदल देती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तुम सातों परियों के पास तो कमाल की जादुई शक्तियाँ हैं। हम सातों सिंड्रेला परी बहनें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करती हैं। हमारे रहते हुए अब तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। उस दिन के बाद से रोहित अपनी सातों सिंड्रेला पत्नियों के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। इसी तरह एक दिन वो सातों सिंड्रेला परी बहनें गांव की सैर कर रही थी कि तभी वो देखती हैं कि गांव का दुष्ट जमींदार कुछ गरीब किसानों पर अत्याचार कर रहा है। चलो जल्दी से मेरे पैसे वापस निकालो, वरना मैं तुम सबकी खाल खींच लूँगा। माफ करिए सरकार, इस वक्त आपको देने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। दूसरी तरफ खेतों की फसल भी ठीक नहीं हुई, इसीलिए हम आपका कर्जा नहीं चुका सकते। हमें कुछ और महीनों की मोहलत दे दीजिए मालिक। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें एक दिन की भी मोहलत नहीं देने वाला। अगर अभी के अभी तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम सबके घरों पर कब्जा करके तुम्हें गांव से बाहर निकाल दूंगा। जमींदार की इस तरह की बातें सुनकर उन सातों सिंड्रेला परी बहनों को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो सातों उसे सबक सिखाने का फैसला कर लेती हैं। तभी एक सिंड्रेला परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर जमींदार के हाथ में मौजूद डंडे को एक सांप के रूप में बदल देती है। अरे ये क्या, ये अरे अचानक से ये सांप कहाँ से आ गया? अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से भाग जा। और हाँ, अगर दोबारा तूने इन गांव वालों को परेशान किया या इन पर किसी भी प्रकार का अत्याचार किया तो हम तुझे जान से मार देंगी। तुम मामूली परियों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दे रही हो? ठहर जाओ, अभी बताता हूँ तुम्हें।
इतना कहकर जमींदार अपनी बंदूक निकालकर उन सातों सिंड्रेला परियों पर गोली चलाने लगता है। लेकिन अगले ही पल सारी गोलियां फूलों की माला बनकर उन परियों के गले में पहुंच जाती हैं। अरे ये क्या, लगता है ये सातों परियां जादुई शक्तियों में बहुत माहिर हैं। इस वक्त इनसे उलझना ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाद में इन्हें देख लूँगा, वरना ये मेरा पापड़ बना देंगी। उसके बाद वो दुष्ट जमींदार दुम दबाकर वहाँ से भाग निकलता है। जमींदार को भागते हुए देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। फिर वो सारे गरीब लोग सातों सिंड्रेला परी बहनों का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। हम बहनों के रहते हुए आज के बाद तुम लोगों को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा तुम सभी की रक्षा करेंगे। फिर वो सातों सिंड्रेला परियां उन गरीब लोगों की गरीबी दूर करने का फैसला करती हैं और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर गांव के कुएं के पानी को सोने के पानी में बदल देती हैं। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद से गांव वाले उस कुएं से सोने का पानी निकालकर उसे बेचना शुरू कर देते हैं। इस तरह देखते ही देखते गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा अमीर बन जाते हैं और साथ ही वो सातों सिंड्रेला परी बहनें अपने पति रोहित के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। बिरजू की पत्नी ने 5 दिन पहले एक लड़के को जन्म दिया है, जिसे बिरजू जितनी बार देखता उसका सर भारी हो जाता। अपनी चिंता वो अपनी पत्नी से नहीं छुपा सका और परेशान स्वर में उससे कहा, 4-4 बच्चे पहले से ही हैं और अब ये आ गया। मैं ठहरा मामूली दिहाड़ी मजदूर, कैसे पालूंगा इतने सारे बच्चों को। बिरजू की पत्नी उसकी बातों का क्या जवाब देती, कभी वो उसकी ओर देखती तो कभी बिरजू की ओर। उसी दिन दोपहर की बात है, बिरजू अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसकी झोपड़ी के आगे एक बड़ी सी आलीशान कार आकर रुकती है। उस कार से बहुत ही अमीर व्यक्ति जिनका नाम दिलीप वर्मा था उतरे और उसके पास आए। क्या तुम्हारे यहाँ किसी पुत्र का जन्म हुआ है? दिलीप की बातों को सुनकर बिरजू उन्हें घूर घूर कर देखने लगा और चौंकते हुए कहा, पुत्र? हाँ, कुछ दिनों पहले मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन आपको कैसे पता? अरे ये सब बात छिपती थोड़ी है, वैसे क्या तुम मुझे वो पुत्र दे सकते हो? ऐसा है, मेरी कोई संतान नहीं है और मैं तुम्हारे बेटे को गोद लेना चाहता हूँ। बिरजू थोड़ी देर फिर से दिलीप की ओर घूर घूर कर देखता रहा और फिर उनसे बोला, साहब मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, किसी तरह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ। जब से मेरा ये बेटा हुआ है मैं उसी की चिंता में घुला जा रहा हूँ। आप मेरे पास किसी भगवान की तरह आए हैं, आपके पास इसका भविष्य बन जाएगा, मेरे पास तो इसकी किस्मत में भूख और बीमारी ही आएगी। बिरजू ने दिलीप को अपना बेटा दे दिया। दिलीप ने बच्चे को लिया और वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी आती थी, दिलीप ने अपनी कार वहाँ रोकी और बच्चे को अपनी गोद में उठाया और नदी के पास खड़ा हो गया। आज मैं अपनी बेटी का भाग्य अपने हाथों से खुद लिख रहा हूँ। आज मैं मिटा रहा हूँ अपनी बेटी के भाग्य में लिखी हर वो बात जो मैं नहीं चाहता। ये कहकर दिलीप ने उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद से नदी में फेंक दिया। दिलीप एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे
वो भविष्य देख सकते थे। यही नहीं, किसी की जन्म कुंडली पढ़कर जिसके बारे में वो जो कहते थे वो सच हो जाता था। उनका कहा कभी नहीं बदलता था। कुछ दिन पहले की बात है, वो अपनी एकलौती बेटी मेहर की कुंडली देख रहे थे। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? मेरी एकलौती बेटी का विवाह किसी दिहाड़ी मजदूर के बेटे से होगा? हाँ? दिलीप ने अपनी आंखें बंद की और उस लड़के को देखना शुरू किया। पल भर में ही उनकी आंखों के आगे बिरजू का बेटा आ गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मैं भविष्य देख सकता हूँ तो भविष्य बदल भी सकता हूँ। मैं बदल दूंगा अपनी बेटी का भविष्य, मार दूंगा उस लड़के को। दूसरी ओर वो छोटा सा बच्चा पानी के बहाव के साथ बह जा रहा था। वही नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव की मछुआरीन कमला उस समय जाल डालकर मछली के फंसने का इंतजार कर रही थी। कितनी देर हो गई, आज तो एक भी मछली जाल में नहीं आई। तभी उसकी नजर पानी की लहरों के ऊपर आ रहे उस बच्चे पर पड़ी, जो बेचारा लगातार रोए जा रहा था। अरे ये किसका बच्चा है? किस निर्दयी ने इस बच्चे को पानी में डाल दिया? अरे जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? कमला ने उस बच्चे को लहरों से निकाला। वो बेचारा बच्चा लगातार रोए जा रहा था। उसने उसे गले से लगा लिया। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? भूख लगी है क्या? मैं हूँ ना, मत रो बेटा मत रो। कमला के पति का 3 साल पहले देहांत हो गया था। उसका दुनिया में कोई नहीं था। उसने उस बच्चे को गोद ले लिया। कमला ने उसका नाम प्रेम रखा। समय धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ता गया। प्रेम अब 21 साल का हो गया था। इस बीच कमला की मौत भी हो गई थी। उधर ज्योतिषी दिलीप की बेटी भी अब जवान हो गई थी। एक दिन की बात है, वो नाव की सवारी कर रही थी। तभी मौसम बहुत ही खराब हो गया। जोर जोर से आंधी चलने लगी और फिर मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। ओह, इतनी तेज आंधी और तूफान, ऊपर से ये बारिश, ओह। तूफान और बारिश और बढ़ती गई और उनकी नाव डूबने लगी। महर पानी के बहाव में कुछ देर तक हाथ पांव मारती रही, फिर थक कर बेहोश हो गई और लहरों के साथ बहने लगी। उधर दूसरी ओर प्रेम उस समय नदी में मछली पकड़ने के लिए आया था, लेकिन तूफान के कारण वापस लौटने का सोच रहा था। तभी उसे महर पानी में बहती हुई दिखाई दी। अरे ये कौन है? कौन बहता आ रहा है नदी के बहाव के साथ? प्रेम तुरंत पानी में उसे बचाने के लिए उतर गया और लहरों से लड़कर उसकी जिंदगी बचा ली। महर को जब होश आया तो उसने खुद को प्रेम के घर में पाया। मैं कहाँ हूँ? आप कौन हो? तब प्रेम ने महर को वो सारी बातें बताई, जिसे सुनकर महर का दिल प्रेम के प्रति प्यार से भर गया और उसने अपने प्यार का इजहार भी उससे कर दिया। प्रेम ने भी उसका निवेदन स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद महर प्रेम को लेकर अपने घर पहुंची और अपने पिता से सारी बातें बताई। तुमने शादी कर ली, लेकिन ये लड़का कौन है? इसका कौल क्या है? खानदान क्या है? तब प्रेम ने
उन्हें सारी बातें बताई, जिसे सुन दिलीप ने अपना सर पीट लिया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, 21 साल पहले मैंने इस काले अध्याय को अपनी बेटी की जिंदगी से निकालना चाहा था, लेकिन आज ये फिर से मेरे सामने आ गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उस बिहारी मजदूर के बेटे को मैं कभी अपना घर जमाई स्वीकार नहीं करूंगा। कुछ दिनों के बाद मेहर कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर गई हुई थी, तो दिलीप ने प्रेम को अपने पास बुलाया और उससे बहुत ही चिंतित स्वर में कहा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ बेटा, अपने लिए नहीं लेकिन मेरी एक लौती बेटी के लिए, उसके जीवन के लिए। बोलो, क्या तुम मुझे वो दोगे जो मैं मांगूंगा तुमसे, या इनकार करके मेरी बेटी के जीवन को खतरे में डाल दोगे? बोलो बेटा, ये सब आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, मैं कहना तो नहीं चाहता तुमसे, लेकिन अगर नहीं कहा तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। तुम्हें तो पता है कि मैं ज्योतिषी हूँ, मैंने अपनी बेटी की और तुम्हारी कुंडली देखी है। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुम दोनों साथ रहे तो मेरी बेटी की मृत्यु हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ बेटा, लेकिन हम उसकी मृत्यु को रोक सकते हैं। अगर तुम उसे छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ तो। अपनी पत्नी की खातिर प्रेम उस शहर को छोड़कर वीरगंज नाम के दूसरे शहर में चला गया। कई दिन तक वो भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा और एक दिन वो सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसके सामने रामू नाम का एक बूढ़ा सपेरा बैठा हुआ था, जो सांप का खेल दिखाकर अपनी रोटी चलाता था। तुम कौन हो बेटा और कहां से आए हो? तब प्रेम ने उसे अपनी सारी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर रामू ने कहा, बेटा, जो भाग्य में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है? यही तुम्हारे भाग्य में लिखा था, तो उसे तुम कैसे बदल सकते हो? वैसे भी तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी पत्नी के जीवन के लिए है, इसलिए इसे स्वीकार करो और नई जिंदगी शुरू करो बेटा। प्रेम रामू के साथ रहने लगा। वो उसी के साथ सांपों का खेल दिखाता। यही नहीं, उसने रामू से ना सिर्फ जहरीले सांपों को पकड़ने की कला सीखी, बल्कि उनके जहर को काटने का मंत्र और जड़ी बूटी के बारे में भी जाना। बेटा, तुम में गजब की प्रतिभा है। मैंने अपना पूरा जीवन इन जहरीले सांपों के जहर की काट और मंत्रों को जानने में लगा दिया, लेकिन तुमने तो कम ही समय में सब कुछ सीख लिया। समय फिर से बीतने लगा। इस बीच दिलीप और मेहर वीरगंज अपने एक रिश्तेदार की शादी में आए हुए थे। शादी के बाद दिलीप और मेहर एक कमरे में सोए हुए थे, तभी पता नहीं वहाँ कहाँ से एक जहरीला सांप आया और उसने मेहर को काट लिया। मेहर दर्द से कर्रा रही थी, पिताजी पिताजी, मुझे सांप ने काट लिया है, आ, 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 आ। ये बोलते ही मेहर के मुंह से झाग निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। दिलीप ने अपनी बेटी की जब ये स्थिति देखी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा
उसने लोगों से मदद की गुहार लगाई। तभी उसे किसी ने सांप का जहर उतारने वाले के पास जाने के लिए कहा। तब दिलीप ने पूछा, कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ ही दूरी पर सपेरों की बस्ती है। वहीं पर रामू नाम का एक सपेरा रहता है। कहते हैं कि उसके पास दुनिया के जहरीले से जहरीले सांप की काट है। हमें मेहर बिटिया को उसके पास लेकर जाना चाहिए। वो सभी रामू के घर पहुँचे। रामू को उसने सारी बातें बताई। तब रामू ने कहा, देखिए अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। मैं अब आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ। हाँ, लेकिन मेरा बेटा आपकी मदद कर सकता है। उसके बाद उसने प्रेम को आवाज दी। प्रेम को देखते ही दिलीप की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने लाचार निगाहों से उसकी ओर देखा। प्रेम अपने ससुर को पहचान गया। वो तुरंत जंगल से जड़ी बूटी लेकर आया और उसका लेप मेहर को लगाया और उसकी जान बच गई। जैसे ही मेहर को होश आया और उसने अपने सामने प्रेम को देखा तो, प्रेम तुम जिंदा हो? लेकिन पिताजी ने कहा था कि जब मैं शहर से बाहर गई हुई थी तो कोई जंगली जानवर तुम्हें उठाकर ले गया था। ये बात सुनकर प्रेम ने अपने ससुर की ओर देखा तो दिलीप ने हाथ जोड़कर उससे कहा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, खासकर प्रेम का। मैंने भाग्य के लिखे को बदलना चाहा, लेकिन मैं हार गया। मुझे माफ कर दो प्रेम, मुझे माफ कर दो। उसके बाद दिलीप ने सारी कहानी उन दोनों को बताई, जिसे सुनकर मेहर को अपने पिता से घृणा हो गई। तब प्रेम ने अपनी पत्नी से अपने पिता को माफ करने को कहा। उसके बाद वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। हेलो सौम्या, और बता कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता। सच कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। हाँ, कॉलेज के खत्म होने के बाद तो हमारा मिलना ही नहीं हुआ। वैसे आजकल कहाँ रह रही है? वो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ है तो अब मैं इसी एरिया में रहती हूँ। वो सामने जो कॉलोनी है ना, वहीं पर मेरा घर है। चल मैं तुझे अपना घर दिखाती हूँ। सामने ए ब्लॉक में वहाँ तो मेरा भी घर है, मतलब मेरा बंगलो है वहाँ पर। चल ठीक है, आज मैं तेरे घर चलती हूँ, फिर कल तुम मेरे घर आना। ठीक है, चल आज हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। मोहिनी और सौम्या दोनों कॉलेज की फ्रेंड्स थीं। शादी के बाद पहली बार वो दोनों एक दूसरे से मिल रही थीं। मोहिनी की शादी एक अमीर घर में हुई थी और सौम्या एक साधारण से परिवार में शादी होकर आई थी। मोहिनी इस बारे में नहीं जानती थी। वो जब सौम्या के घर गई तो सौम्या के घर को देखकर वो मुंह बनाने लगी। ये लो मोहिनी, गर्मा गर्म चाय पियो। सौम्या कप अच्छे से धोई है ना? क्योंकि मुझे बहुत साफ सफाई से रहने की आदत है। तुम्हारा ये घर देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुमने शादी किससे की है? नाम क्या है और काम क्या करता है? मोहिनी तुम मेरे हस्बैंड को जानती हो? मैं जानती हूँ? कौन है तुम्हारा हस्बैंड? यश, मैंने यश से शादी की है। यश से? अच्छा चलो, मैंने तो उसे ठुकरा दिया था, वो मेरे स्टेटस का नहीं था। खैर मैं चलती हूँ, मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे। और कल तुम आ रही हो ना मेरे घर? हाँ हाँ मैं आ जाऊंगी। मोहिनी अभी जाने ही लगती है कि तभी यश आ जाता है। मोहिनी को देखकर वो चौंक जाता है। मोहिनी तुम और यहाँ? यश
कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। मैं हाँ, मुझे अभी पता चला कि सौम्या ने तुमसे शादी की है। हम दोनों रास्ते में ही मिले। सौम्या मुझे यहाँ ले आई और मुझे तभी तुम्हारे बारे में पता चला। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आना कभी सौम्या के साथ। हाँ हाँ, जरूर, बाय। सौम्या, तुम जानती हो ना कि मोहिनी कैसी है? इसे अपने पैसे पर बहुत घमंड है। तुम इसके साथ बात नहीं करो तो अच्छा है। यश, वो कॉलेज की बात थी। अब समय बदल गया है। अब हम दोनों शादीशुदा हैं। वो जानती है, उसकी अपनी लाइफ है और मेरी अपनी। इसलिए तुम टेंशन मत लो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय बनाकर लाती हूँ। फिर अगले दिन सौम्या मोहिनी के घर जाती है। सौम्या, आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ये देखो, इस करवा चौथ के लिए मैंने ये साड़ी मंगवाई है। पूरे 7 लाख की है। वैसे मैं तुम्हें क्यों दिखा रही हूँ? तुम्हारी तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि तुम इतनी महंगी साड़ी खरीद सको। तुम क्या पहन रही हो इस करवा चौथ पर? मैं कुछ भी पहन लूँगी। वैसे यश ना मेरे लिए एक साड़ी लाए थे, सोच रही हूँ उसे ही तैयार करवा लूँ। अच्छा, मेरे तो हस्बैंड को इतना टाइम ही नहीं होता। उनकी इतनी सारी मीटिंग होती है। इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करती हैं, इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करती हैं वो तो। उनको सब कुछ देखना पड़ता है। वो तो बस मुझे पैसे दे देते हैं और मैं अपने आप ही ले लेती हूँ। अच्छा, मैं कह रही थी, करवा चौथ की पूजा के लिए तुम मेरे ही घर आ जाना। सब आती हैं। कॉलोनी की सारी लेडीज मेरे घर पर ही इकट्ठा होती हैं। सबको पता है कि यहाँ बहुत स्पेस है और सबके लिए स्पेशल इंतजाम किया जाता है। गिफ्ट भी देती हूँ मैं सबको और भी बहुत कुछ। बहुत मजा आता है। एक काम करना, तुम आ ही जाना मेरे घर। मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और फिर करवा चौथ के दिन सौम्या तैयार होकर मोहिनी के घर पहुंचती है। ओह माय गॉड, मोहिनी, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। अच्छी लगी? ओह थैंक यू। वैसे मैं सेलेक्ट ही ऐसा डिजाइन करती हूँ कि सब देखते ही रह जाए। वैसे सौम्या, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सिंपल लग रही है। सब लोग पूजा में बैठ जाओ, मैं कथा शुरू कर रही हूँ। अरे पंडिताइन जी बुला रही हैं। चलो चलो, सब लोग पूजा में बैठते हैं। घेरा बना लो सब। इसके बाद सब लोग करवा चौथ की पूजा करते हैं। मेरी सारी प्यारी फ्रेंड्स, आप सब ने यहाँ आकर करवा चौथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया। सब अपने अपने गिफ्ट लेकर ही जाना। सौम्या, तो थोड़ी देर मेरे पास ही ठहरना, बाद में चली जाना। ठीक है मोहिनी। सौम्या मोहिनी के पास रुकती है, तभी यश का कॉल आ जाता है। हाँ यश, मैं मोहिनी के घर पर थी। वो करवा चौथ की पूजा यहीं पर की थी। पिज्जा? ओके, वैसे आज मेरा भी पिज्जा खाने का बहुत मन है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा मोहिनी, अब मैं चलती हूँ। यश मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, और वैसे भी पुनीत आने ही वाले हैं। आज मुझे उनके साथ डिनर पर जाना है। हम हर साल करवा चौथ पर बाहर ही खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद सौम्या घर पर आ जाती है। मोहिनी अपने पति पुनीत के साथ रात को डिनर करने के लिए एक होटल में जाती है। तभी उसकी नज़र एक टेबल पर पड़ती है जहाँ सौम्या और यश डिनर कर रहे थे। मोहिनी चौंक जाती है। सौम्या मोहिनी को देख चुकी थी। वो उसे आवाज लगाती है। मोहिनी, आओ ना, हमें ज्वाइन करो। ये मेरी फ्रेंड सौम्या है। हम दोनों कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। मिस्टर यश? अरे पुनीत जी, आप यश को कैसे जानते हैं?
एक दिन मैं किसी जरूरी काम से एक मीटिंग में जा रहा था तो रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी। मुझे अर्जेंट पहुंचना था तो मुझे यश ने अपनी बाइक पर लिफ्ट दी थी और मैं समय पर मीटिंग में पहुंच पाया था। बस उसी दिन से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। यश, मुझे पता चला आपकी डील फाइनल हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी तरक्की का सुनकर। थैंक यू सो मच पुनीत जी, इसलिए तो हमारी प्रिय धर्म पत्नी ने बोला कि आज डिनर करवाओ। बस मूड बनाया और निकल आए डिनर करने के लिए। बिल्कुल मोहिनी, तुम्हें पता है यश ने मुझे स्पेशल सरप्राइज दिया। यश का प्रमोशन हो गया इसलिए आज ये मुझे पार्टी दे रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारी खुशी का आप दोनों भी हिस्सा बनो। बिल्कुल सौम्या जी, आओ मोहिनी, वहाँ अकेले बैठकर क्या ही डिनर करेंगे, इनके साथ करते हैं ना तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मोहिनी चुप थी क्योंकि वो जिस घमंड में जी रही थी आज वो घमंड चूर चूर हो गया था। सौम्या भी समझ चुकी थी कि मोहिनी का घमंड तोड़ने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि मोहिनी उसे कितनी बार नीचा दिखा चुकी है। पर सौम्या ने मोहिनी का सम्मान भी किया, साथ ही उसे अच्छा सबक भी सिखा दिया, जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। कविता और तनु बचपन की दोस्त थी, साथ खेलना कूदना, उन्होंने एक ही स्कूल और कॉलेज में साथ में पढ़ाई की थी, पर अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। कविता और तनु दोनों के माता पिता उनके लिए रिश्ते की तलाश कर रहे थे। कविता ज्यादा पैसे वाली नहीं थी, उसके पिता फलों का ठेला लगाते थे, जबकि तनु के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। पर तनु ने अपने अमीर होने का कभी भी घमंड नहीं किया, वो अपनी सहेली कविता पर जान छिड़कती थी। तनु, तूने मेरे लिए इतना महंगा सूट खरीदा, पर क्यों? अरे भाई, आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड को देखने लड़के वाले आएंगे तो ऐसे लगनी चाहिए कि सब देखते ही रह जाएं। तनु, मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी सहेली के रूप में मुझे बहन मिल गई। लड़के वाले कविता को पसंद कर लेते हैं और कविता की सगाई मनोज नाम के लड़के से तय हो जाती है। तनु बेटे, ये लो, तुम भी मुंह मीठा कर लो। इस मिठाई पर सबसे पहला हक तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम कविता के सबसे करीब हो। सुमन, लड़के वालों का फोन आया था, शादी का मुहूर्त 10 महीने के बाद निकल रहा है, इससे पहले कोई भी मुहूर्त नहीं है। 10 महीने बाद का मुहूर्त तो बहुत लेट नहीं हो जाएगा? तुम्हें तो पता है जी, लड़कियों का सगाई के बाद इतने समय तक रुकना सही नहीं रहता। पर लड़के वालों से ये बात कह भी तो नहीं सकते, उनकी अपनी कोई मजबूरी है इसीलिए बोल रहे हैं। उस वक्त कविता के माता पिता को जो भी ठीक लगा उन्होंने बात मान ली। इसी बीच तनु का भी रिश्ता एक बड़े घराने में तय हो गया और 15 दिन के अंदर ही उसकी शादी भी तय हो गई। अंकल जी और आंटी जी, कविता भी 1 हफ्ते तक मेरे साथ मेरे घर रहेगी। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है और फिर तो पता ही है, फिर कविता से मिलना मेरा कब हो? और कुछ महीनों बाद कविता की भी शादी हो जाएगी, फिर दोनों सहेलियां अपने अपने ससुराल में बिजी हो जाएंगी। ठीक है तनु बेटा, कविता तुम तनु की शादी तक उसके साथ ही रहो। तनु की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तनु कविता को अपने रिश्तेदारों से मिलवाती है, सब तनु और कविता की दोस्ती की बहुत तारीफ करते हैं। कविता बेटा, तनु की शगुन की मेहंदी लेकर लड़के वाले आ रहे हैं। बेटा तुम जरा उनके लिए चाय पानी की तैयारियां देख लो, कोई कमी ना रह जाए। जी आंटी जी, मैं अभी देख लेती हूँ। कविता, सागर जी का फोन आया था, उनका छोटा भाई यानी कि मेरा देवर विराट और चाचा जी की बेटी सोनम
शगुन की मेहंदी लेकर घर आ रहे हैं। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगी। क्या बात है तनु भाभी, लगता है हमारा ही इंतजार हो रहा है। अरे देवर जी आप, अरे सोनम कैसी हो? कविता इन लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अरे भाभी इतना तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो बस एक कप गरम गरम चाय मिल जाए तो बात बन जाए। जी मैं अभी लाई, ये लीजिए चाय। और सोनम आपके लिए क्या लाऊं, चाय या ठंडा? अभी कुछ नहीं, मैं बाद में ले लूँगी। अरे कुछ तो लेना ही पड़ेगा, ये लो रसगुल्ला खाओ शगुन का, मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। सोनम ये मेरी बचपन की सहेली कविता है, ये मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी दोस्त है। तनु कविता के बारे में विराट और सोनम को बताती है। यानी कि मेरा कोई चांस ही नहीं है? अरे मैं मजाक कर रहा था। वैसे कविता जी आपकी होने वाली शादी की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही दे रहा हूँ मैं। बात वहीं खत्म हो जाती है, तनु की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं, कविता की शादी का भी दिन आ जाता है। तनु अपने ससुराल वालों के साथ कविता की शादी में पहुंचती है। मोहनलाल जी मैंने आपको पहले ही कह दिया था, 8 लाख की बड़ी गाड़ी दरवाजे पर खड़ी होगी तभी ये डोली उठेगी, वरना अभी भी हम ये बारात वापस ले जा सकते हैं। हाँ अरुण नारायण जी मैंने बहुत कोशिश की, बस 5 लाख ही जुटा पाया हूँ, जिसमें से काफी पैसे शादी की व्यवस्था में लग गए। आप बारात वापस मत ले जाइए, नहीं तो मेरी कविता बिटिया की जिंदगी खराब हो जाएगी। अरुण नारायण जी मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ, ऐसा ना कीजिए। मनीष बेटा अपने पापा को समझाओ ना। मेरे पापा तो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, मैं कविता से शादी तभी करूँगा जब आप बड़ी गाड़ी का इंतजाम करोगे। हाँ कविता की बारात वापस चली जाती है, कविता फूट फूट कर रोने लगती है, सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे लड़की की बारात वापस चली जाए तो दोबारा शादी के लिए लड़का नहीं मिलता। सही कहा आपने, बेचारी लड़की की बारात वापस चली गई, अब भला इसका कौन हाथ थामेगा। तनु मैं क्या करूं, मेरा मर जाना ही ठीक रहेगा, मेरी वजह से मेरे माँ बाबूजी को ये दिन देखना पड़ रहा है। पागल है क्या जो मरने की बात कर रही है? मेरे होते हुए मेरी सहेली के साथ कुछ गलत नहीं होगा, तू रुक मैं अभी आई। तनु अपने ससुराल वालों से कुछ बात करती है और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए कविता को कहती है, कविता मेरी प्यारी सहेली, अब तक तो तू मेरी सहेली थी, क्या अब मेरी देवरानी बनना पसंद करेगी? देवर जी तुझसे शादी करना चाहते हैं। अंकल जी आंटी जी कोमल को हंसते हुए विदा कीजिए। भाभी कविता से शादी के लिए मेरी भी एक शर्त है, कविता की आंखों में एक भी आंसू नहीं होना चाहिए, मुझे मुस्कुराती हुई कविता को अपनी पत्नी बनाकर घर ले जाना है। देवर जी आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आखिर भाई तो मेरा ही है ना, मेरे ऊपर ही गया है। और फिर सभी हंसने लगते हैं। फिर कविता और विराट की शादी करवा कर तनु अपनी दोस्ती का फर्ज निभाती है और खुशी खुशी दोनों सहेलियां एक ही घर में मिलजुल कर रहने लग जाती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।